नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बात की पर्वत श्रृंखलाएं रटा दूंगा, करा दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तो हम भारत के सबसे बड़ी बड़ी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं मैं आज आपको मैं पर कराऊंगा। तो सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में हैं और सबसे कम श्रृंखलाएं राजस्थान में हो सकती है, और तो कहीं हो नहीं सकती। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत और फिर दक्षिणी भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाएं मैं आपको बताऊंगा। रट लेना दोस्तों, तो चलते हैं। काराकोरम कैलाश श्रेणी, काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत एवं चीन में है। ये आपको पता भी होगा, पर आप ऐसे याद रखिए कि ये श्रेणी भारत और चीन के मध्य में स्थित है। यहीं पर ज्यादातर आतंकवादी यहीं पर घुसते हैं। काराकोरम कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी भारत और जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख सबसे ऊपरी पॉइंट भारत का लद्दाख है। जैस्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय जैस्कर, यह स्पष्ट हो जाता है। वैसे आपको ये रट ही लेना है, जैस्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये श्रेणियां रट लीजिए, यहां से यहां तक ये रट लीजिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम कैलाश जम्मू कश्मीर, लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर, जैस्कर जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत भी जम्मू कश्मीर में है, ये इतना याद रख लीजिए। कामेत पर्वत, ये आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड भी कहते होंगे आप। पहले इसका नाम उत्तरांचल था दोस्तों, अब उत्तराखंड है। नंदा देवी, नंदा देवी, ये आप कभी हरिद्वार गए होंगे उत्तराखंड में, वहीं पर नंदा देवी पर्वत श्रेणी स्थित है। काराकोरम दोस्तों मैं आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूं, कैलाश श्रेणी और काराकोरम श्रेणी जहां पर बादल और पर्वत इतने सुंदर दिखते हैं। कहां दिखेंगे सुंदर, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, और चीन ये ग्लेशियर भी यहीं स्थित है दोस्तों। लद्दाख श्रेणी भारत और जम्मू कश्मीर के मध्य में स्थित है। लद्दाख ठंडा क्षेत्र है, लद्दाख जिला है बड़ा। जैस्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, जैस्कर जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको पहले बताया है, और आप मैप के अंदर ऐसे से देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, जैस्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, दोस्तों मैं फोटो लगाना भूल गया, और अब मैं सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे फोटो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कामेत पर्वत उत्तराखंड में बताया था आपको, उत्तराखंड कामेत। नंदा देवी, ये नंदा देवी उत्तराखंड में आपको बताया था, हरिद्वार के पास है। धौलागिरी, धौला कहाँ होगा, हिमाचल, बर्फ पड़ेगी तब धौलागिरी पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश। गुरु शिखर दोस्तों, अगर आप राजस्थान के हैं तो आप भूल नहीं सकते, अगर आप बाहर के हैं तो आप याद कर लीजिए, गुरु शिखर राजस्थान में है। माउंट आबू एवरेस्ट नेपाल में है, ये पूरी दुनिया को पता है, आपको तो पता ही होगा, आप तो तैयारी करते हैं।
खासी जयंतियां गारो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, ये इतनी बार पेपर में आया है कि एग्जामिनर के दिमाग में छप चुका है। ये असम मेघालय में याद कर लीजिए, याद नहीं होती तो दो बार वीडियो देख लीजिए। नंगा पहाड़ी नागालैंड, ये तो दोस्तों याद करने की जरूरत भी नहीं है। नंगा नागालैंड, अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान और दिल्ली में है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माउंट आबू राजस्थान दोस्तों, माउंट आबू 1722, ये जो गुरु जी की बताई थी ना, ये चोटी इसी पर्वत के ऊपर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? शिवराज चौहान। दोलागिरी दोला हिमाचल, दोला हिमाचल। महादेव पड़ा पहाड़ी धूपगढ़ मध्य, महादेव मध्य प्रदेश। मेकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश। राजमहल, अच्छा दोस्तों यहाँ पर झारखंड राजमहल, यहाँ पर खाने भी है तो याद कर लीजिए जरूर। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद कर लीजिए। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा में है, यहाँ पर मंदिर भी है। महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र। नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों रट लीजिए, अगर याद नहीं होता तो याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आएगा। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। अन्नामलाई, अन्नामलाई ऐसे कैसे बोलते हैं, साउथ फिल्म बोलते हैं ना अन्नामलाई, वह तमिलनाडु में। छोटा नागपुर को अपठार झारखंड में। छोटा नागपुर क्या आपको पता होगा, यहाँ खान है। छोटा नागपुर पठार झारखंड। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बघेल पठार मध्य प्रदेश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना पठार आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में है। आप तेलंगाना मत करके आना, वैसे भी है तेलंगाना में, ये प्रश्न पूछ नहीं सकते। मैसूर पठार, मैसूर कर्नाटक, मैसूर टीपू सुल्तान कहाँ का था, मैसूर। दादा बेटा या डोडा बेटा, ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल तमिलनाडु, इसकी लोकेशन नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं सिर्फ कहाँ पर है। इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु, डाफला पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिकिर लुसाई गोडविन आस्टिन, ये दोस्तों याद कर लीजिए। के टू गोडविन आस्टिन जम्मू कश्मीर है, वैसे आपको याद होगा। कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। तो दोस्तों स्टडी विद जी के ट्रिक को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों, इतना धन्यवाद है। बस दोस्तों मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब।